पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे, जिसके लिए मतगणना की शुरुआत अब से कुछ ही देर में सुबह 8 बजे से होगी। परिणाम करीब 12 बजे तक सामने आ जाएंगे। बता दें आपको कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत, कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लूठी और एसपी प्रत्याशी मनोज कुमार भट्ट के बीच मुकाबला है। इस बार कुल 50,191 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। मतगणना के लिए 14 टेबल्स लगाई जाएंगी। रिजर्व समेत कुल 69 कर्मचारी मतगणना के लिए रखे गए हैं। मतगणना में पहले 338 डाक मत पत्र गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम में पड़े मतों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। मतगणना की शुरुआत 8 बजे से, बेहद अहम रहेंगे नतीजे। 12 बजे तक तस्वीर साफ होने की पूरी संभावना है। जानकारी इस पर ले लेते हैं कुलदीप ने, ये हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। कुलदीप, 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी, क्या तैयारी सभी पूरी कर ली गई है और इंतजार कब तक करना होगा? जो परिणाम है वो कब तक आएंगे, रुझान कब तक आएंगे और तस्वीर पूरी तरह कब होगी साफ? देखिए बिल्कुल, आज पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है। अब से कुछ ही देर के बाद जो मतगणना का कार्य वो शुरू होगा। जो भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर रही मतगणना को लेकर की जानी थी वो तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। जहां तक रुझान की बात है, तकरीबन दोपहर तक 12 बजे तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि इस चुनाव में, पिथौरागढ़ उपचुनाव में आखिर कौन जीतता है। हालांकि दावे दोनों ही दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, बहुत ज्यादा उपचुनाव में रुझान जैसे कि अमूमन देखा गया है, जनता का इतना रुझान देखने को नहीं मिलता, तो उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहा। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए तो फिलहाल ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए इस सीट पर अपनी वापसी की करना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि प्रकाश पंत, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने उनकी धनपत्नी को चुनाव मैदान में सीट से उतारा है। तो अब उनके जो मुकाबला है, उनका मुकाबला कांग्रेस के अंजू लूंठी के साथ में है और एक और कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। लेकिन हालांकि इस वक्त जो तस्वीरें पिथौरागढ़ की बता रही है, जो मुकाबला खासतौर से देखने को मिला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला है। 8 बजे से मतगणना काम शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि पिथौरागढ़ उपचुनाव कौन जीतता है। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे उपचुनाव की हम बात करें पिथौरागढ़ के, कुलदीप, तो मेन फैक्टर्स क्या रहे हैं, यानी कि मुद्दे क्या रहे हैं जिसके आधार पर जनता ने वोट डाला है? क्या जनता की ओर से भी कहीं ना कहीं वो इमोशनल एक टच देखने को मिला है प्रकाश पंत को लेकर, और बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया होगा, या फिर कांग्रेस दावा जिस तरह का कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी को भी उतने ही वोट मिले होंगे? क्या फैक्टर्स रहे? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव था और जो ये इस सीट के उपचुनाव होते हैं इसमें जो मुद्दे रहते हैं वो तो स्थानीय ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल भी सरकार का हो चुका है और उपचुनाव इस सीट पर है, तो ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से चंद्रा पंत को चुनाव मैदान में उतारा था तो साफ है कि सिंपैथी कार्ड कहीं ना कहीं बीजेपी खेलना चाहती थी। और जो देखने को मिला कि अमूमन थराली सीट पर भी कुछ ऐसा ही कार्ड जब बीजेपी ने खेला था तो वो देखने को मिला वहां पे कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिला, तो कुछ इसी हिसाब आपसे बीजेपी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, चंद्रा पंत को प्रत्याशी बनाया था। जहां तक मुद्दों की बात है, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं तो स्थानीय स्तर के ही मुद्दे इसमें होते हैं, लेकिन अमूमन क्योंकि उपचुनाव है, 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का हो चुका है और 2.5 साल के लिए ये उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो मुद्दों की बात कर ले या फिर और फैक्टर्स की बात कर ले तो उसमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिला वो सिंपैथी कार्ड देखने को मिला, जिस तरीके से बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड इसमें खेला। हालांकि अब ये देखना होगा कि उस सिंपैथी को बीजेपी वोट में तब्दील करने में कितना कामयाब रह पाई, कितना सफल रह पाई, ये कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक तो स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अभी से हाथ छोड़ दिए हैं। कांग्रेस भले ही इसमें कैंडिडेट को डिक्लेयर करने में कांग्रेस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ा हो, नेता प्रतिपक्ष को उनके वहां जाना पड़ा हो, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने जब कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे तो एक उम्मीद भी कांग्रेस को बंधी हुई है कि पिथौरागढ़ उपचुनाव ये जो हो रहा है इसमें जो समीकरण है वो बदले में नजर आएंगे और कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखेगा। हालांकि तस्वीर 12 बजे पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि ये सीट किसकी झोली में जाती है। चलिए, तो दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करना होगा, नतीजे देखने के लिए स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक होगी। आप बने रहिए कुलदीप हमारे